नमस्कार, लव पॉइंट युवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेकर के आए हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज 2023 के बारे में कुछ आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, छत्तीसगढ़ सिविल जज का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरने की डेट्स आ गई हैं। अभी एग्ज़ाम की डेट्स क्लियर नहीं की गई हैं, लेकिन जल्द ही उसके लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज आपको पता है, उसके बारे में अलग से वीडियो भी हमारे चैनल पे डाले गए हैं। आज मैं आपसे केवल और केवल पैटर्न्स की बात करूंगा कि छत्तीसगढ़ सिविल जज और एमपी सिविल जज में क्या डिफरेंस है। देखिए, एमपी सिविल जज में 12 सब्जेक्ट लॉ के हैं, प्लस जीएस है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है। ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ भी प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, लेकिन प्री में केवल और केवल लॉ के सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें केवल और केवल लॉ के क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर हम कंपेरिजन करें तो छत्तीसगढ़ सिविल जज ज़्यादा सरल है, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको जीएस नहीं देखना, इंग्लिश नहीं देखना, कंप्यूटर नहीं देखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डरते हैं कि सर इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है, कंप्यूटर का हमको नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ठीक है आप लॉ में अच्छी तैयारी करें। अब देखते हैं लॉ के सब्जेक्ट्स। तो 12 सब्जेक्ट अपने यहाँ मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ में 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं, और ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, कोर्ट फीस है, रजिस्ट्रेशन है और एक्साइज है। ये कोई ऐसे बहुत बड़े या बहुत लेंथी एक्ट नहीं है। देखने में आपको कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन ये लगेगा कि ये बड़े एक्ट हैं, पढ़ने में हो सकता है आपको ये लगे कि थोड़ा सा कठिन है, लेंथी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें यहाँ से आपसे पूछी जाती हैं, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ही इजी पैटर्न है छत्तीसगढ़ का। अब आप मेंस की बात करें तो मेंस में एमपी में 4 पेपर होते हैं, है ना। आपका सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, एक एसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और समराइजेशन का पेपर होगा, और चौथा पेपर आपका जजमेंट राइटिंग का। जबकि छत्तीसगढ़ में केवल मेंस में 1 पेपर होगा जिसमें आपका जजमेंट राइटिंग आएगा। तो अगर कंपेरिजन किया जाए मध्य प्रदेश सिविल जज और छत्तीसगढ़ सिविल जज का, तो छत्तीसगढ़ सिविल जज ज़्यादा सरल है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि सिविल जज 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है, इसकी आप लोग तैयारियाँ शुरू करें। बहुत सीटें भी अच्छी हैं, 49 पोस्ट का नोटिफिकेशन है। तो इसमें मेरी राय तो यही है कि आप लोग इसके लिए तैयारी करें। और हम लोगों ने यहाँ बैच स्टार्ट कर रखा है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन और एविडेंस हम स्टार्ट किए हैं, लेके चल रहे हैं। तो अपने पास जो भी 3 से 4 महीने का समय है, तो इसमें हम लोग बहुत अच्छे से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। आपके साथ हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि जितनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं उतनी ही मेहनत आप भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।